नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं है जीव विज्ञान जो 7 जनवरी को ग्रुप बी का पेपर हुआ था उसमें जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आए थे 30, उनके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उनमें मैं आपको क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा और ये भी बताऊँगा आप लोगों को कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं डिलीट हो सकते हैं, और जो बंदे रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये क्वेश्चन पेपर मेरा देखना चाहिए ताकि उनकी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो आया था साइकोलॉजी के अंदर वो था, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन ए था इसमें अनुकूलन क्षमता, बिल्कुल ये तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण है। उत्साह, बिल्कुल ये भी अच्छे मानसिक है। और संवेगात्मक संयोजन, ये तीनों जो लक्षण हैं वो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य हैं, लेकिन जीवन मूल्यों में एवं स्वयं के दर्शन में कमी, ये मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है आप लोगों को, निम्न में से कौन सी समायोजन का सामना बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को करना पड़ता है, मतलब जिनकी IQ 140 के करीब या 140 से ऊपर होती है उनको भी समायोजन का सामना करना पड़ता है, मतलब कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। उपलब्धि साथियों में श्रेष्ठता का भाव, बिल्कुल करना पड़ता है ये। शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता की कमी, इसमें भी प्रॉब्लम करता है। मान लो कोई अध्यापक किसी बच्चे को कुछ श्रेष्ठ ना समझे। माता पिता द्वारा श्रेष्ठता की मान्यता में कमी, मतलब कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा होता है उसके दिमाग में ये होता है कि सभी लोग उसको इंटेलिजेंट समझें, और ऐसा यदि मान लो कोई ना समझने में कमी छोड़ देता है, वो चाहे माँ बाप हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो अपना साथी हो, तो फिर वो थोड़ा दबाव महसूस करता है। मेरे क्वेश्चन का मतलब, तो ये तीनों ही विकल्प जो हैं वो बिल्कुल सही है कि हर एक बच्चा ये कामना करता है कि सब उसको श्रेष्ठ समझें, और मतलब जो प्रतिभाशाली बालक की बात कर रहा हूँ, प्रतिभाशाली की टेंडेंसी होती है कि हर एक उसे जो है बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा इसको समझे। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपके सामने वो हो जाएगा 4 नंबर का, जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में मुझे पेज बदलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं अब। पियाजी के अनुसार संज्ञानात्मक कार्य विधि की 2 मुख्य विशेषताएं थी, सभी को पता है, संगठन और अनुकूलन, दोनों जो है इसके ऑप्शन हो जाएंगे। 94 में जो है ऑप्शन 1 हो जाएगा। अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो डिलीट के लायक हो, आएगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। अधिगमकर्ता को जानना, बिल्कुल है। विषय वस्तु का चयन और संगठन, बिल्कुल ये भी है। सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना, ये भी है। असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना, ये ऑप्शन नहीं है। तो 95 में 4 हो जाएगा भाई। इस क्वेश्चन में अधिगमकर्ता को, बिल्कुल जो भी पढ़ने वाला है, लर्निंग कर रहा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसको नहीं समझेंगे अधिगम नहीं होगा। विषय वस्तु, जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसका सही तरीके से चयन करके, उसको सही तरीके से संगठित करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करना, ये भी एक शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। और शिक्षा की प्रविधियाँ, जो भी टीचिंग कंसेप्ट्स है उनको सजेस्ट करना, ये भी। लेकिन असामान्य मनोविज्ञान, मतलब मेंटल डिसऑर्डर व्यक्ति की, ये शिक्षा मनोविज्ञान का काम नहीं है, मनोविज्ञान का काम हो सकता है। इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य घटक सम्मिलित है, मतलब जो एजुकेशन प्रोसेस है उसके अंदर अधिगमकर्ता आता है और शिक्षक आता है, अधिगम अनुभव भी आते हैं, अधिगम प्रक्रिया भी आता है, और अधिगम वातावरण भी। ये सब चीज़ें से, मतलब लर्नर क्या है, लर्निंग लर्नर क्या है, और टीचर क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग एनवायरनमेंट आर आल्सो पार्ट ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 है इसका जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में जो है ये ऑप्शन इसका 3 नंबर का आंसर जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, फिजिकल डेवलपमेंट को, शारीरिक कमी का होना या ना होना, बिल्कुल ये भी करता है।
सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रबलन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन, ये जो है फिजिकल को नहीं पकाता, बच्चे के जन्म के ऊपर पोषण करता है, सामान्य और असामान्य प्रसव। तो बी ऑप्शन जो है, मतलब दो नंबर का जो आंसर है इसका सही आंसर होगा, तो दो नंबर का जो आंसर है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विकास, मतलब डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट जो है संबंधित है वृद्धि, देखो वृद्धि जो है अभिवृद्धि के अंदर आती है। परिपक्वता ये विकास के अंदर आता है, क्योंकि आदमी सीखता है और सीखने से उसकी परिपक्वता आती है। आयु ये भी अभिवृद्धि से है, तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का जो है आपका दो नंबर का ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पियाजी के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है। देखो नैतिक यथार्थवाद है, नैतिक समानता है, नैतिक सामिक सापेक्षता है, लेकिन नैतिक अधिकार जो है, नैतिक अधिकार जो है पियाजी के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है। नैतिक कोई अधिकार नहीं होता, नैतिक यानी एक नैतिक का मतलब जो होता है वो होता है यथार्थता से लिया जा सकता है। नैतिक मतलब जो बनता है, नैतिकता का मतलब है जो बनता है। तो नैतिक अधिकार कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन यथार्थवाद बिल्कुल जो सही बात है वो सही, समानता सब में समानता होनी चाहिए और सापेक्षता, ठीक है किसी के साथ तुलना, तो ये में हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, सौवें क्वेश्चन की तरफ। सौ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आईक्यू के विपरीत निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब असत्य कथन को पहचानना है हमको। आईक्यू के विपरीत सामाजिक बुद्धि जीवन को सफलता और सर्वोत्तम पूर्व सूचना देती है। बिल्कुल इमोशनल, यदि इमोशनल बुद्धि है किसी के पास में, ठीक है इमोशनल कॉन्टेंट है, तो उसका जीवन बहुत सफलता होता है, क्योंकि उसको संवेगों को समझने प्रकट करने की बुद्धि होती है। सामाजिक बुद्धि एक इकाईगत क्षमता नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मेयर स्केल सामाजिक बुद्धि को मापने में काम आता है, पीटर मेयर और सॉल्वे का आपको पता है MEIS जो है एक उपकरण था जो इसको मापने का काम आता है, तो तीनों ऑप्शन सही है। संवेगों के दौरान हमेशा शारीरिक परिवर्तन साथ होते हैं, ये बात गलत लग रही है मुझे बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। सौवें क्वेश्चन का ऑप्शन जो है चार हो जाएगा कि संवेगों के साथ में शारीरिक परिवर्तन नहीं होते हैं। क्यों नहीं रहा, तो इसमें चार नंबर का आंसर इसके अंदर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन के चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत का उदाहरण नहीं है। लर्निंग का देखो शास्त्रीय अनुबंध पावलोव ने दिया था है, प्रयास और त्रुटि थार्नडाइक ने दिया था है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर ने दिया था है, अंतर्नाद न्यूतिकरण सिद्धांत किसी ने नहीं दिया ना ये है, तो ऑप्शन इसका चार वाला जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, अधिगम की विशेषता है, अधिगम की क्या क्या विशेषता है, तो देखो इसके अंदर अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल लर्न जब करते हैं तो आदमी का व्यवहार चेंज होता है, ठीक है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली पड़ती है, जीता है जब से मरता है जब तक वो सीखता है, तो एक अधिगम उद्देश्यपूर्ण भी है, बिल्कुल विजनेबल है और एम लेवल दोनों, मतलब उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य देता है, इसका मतलब चारों ही ऑप्शन इसके सही होंगे हमारे, तो इसका चार नंबर का ऑप्शन जो है मेरे मित्रों वो बिल्कुल सही है। मुझे पेज बदलना पड़ेगा 103वें क्वेश्चन के लिए जाने के लिए, तो ये 103 पे आ गए हम सीधे। अगला क्वेश्चन है, थार्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम का गौण नियम है, तो इसका बिल्कुल अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ये तो प्रमुख नियमों में आते हैं, गौण नियम में आता है मनोवृत्ति का नियम, तो 103 में जो है हमारा दो ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने दो नंबर को मैं टिक कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है। देखो समूह का निर्माण ग्रुप में रहता है, बिल्कुल इस समय देख लो चुनावों में ज़्यादातर जो बच्चे लग रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जो किशोर अवस्था में है। मैत्री भावना सबसे ज़्यादा मित्रता इसी उम्र में रहती है। विद्रोह की भावना बिल्कुल माता पिता से विद्रोह कर देता है, सलीम ने अकबर से विद्रोह कर दिया था किशोर अवस्था में।
तो चारों ही विशेषता इसकी सही है दोस्तों। 104 में जो है आपका चार नंबर का ऑप्शन आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर चार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करती। कैसे प्रदान नहीं करती भाई, शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। पहला ही ऑप्शन गलत लग रहा है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर आगे। तो पहला ही ऑप्शन को टिक कर रहा हूँ, आगे को पढ़ ही नहीं रहा हूँ। हालांकि पढ़ना चाहिए आप लोगों को जब पेपर, लेकिन मुझे तो यहीं पे आंसर मिल गया इसलिए मैंने नहीं पढ़ा इसको। निम्न में से कौन सा प्रणाली उपागम, ये क्वेश्चन देखो दोस्तों केमिस्ट्री में भी साइकोलॉजी में आया है और जीव विज्ञान में भी आया है। तो प्रणाली उपागम ये सिस्टम अप्रोच सिस्टम एनालिसिस सिस्टम डिजाइन सिस्टम ऑपरेशन, चारों ही ऑप्शन इसके तीनों ही ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर चार जो है इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन के लिए आप इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर भी आया है। वहाँ ये पूछा निम्न में से कौन सा प्रणाली उपागम का अध्ययन नहीं है, और देखो जीव विज्ञान में भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो जिस बंदे ने केमिस्ट्री का पेपर इसका पेपर सोल्व कर लिया होगा जियो, तो उसका बी ग्रुप का ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा, उसके ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये देखिए आप लोगों के सामने 106 के बाद में हम चलते हैं, इसके बाद पेज बदलना पड़ेगा मुझे। 107वें क्वेश्चन के अंदर देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कोमल उपागम का संबंध निवेश निर्गत तथा प्रक्रिया संबंधित है। श्रव्य दृश्य उपागम का कठोर उपागम से दर्शन है। श्रव्य दृश्य सामग्री अधिगम अंतरण की संभावना कम रहती है। तो ये तीन वाला ऑप्शन ही इसमें गलत है दोस्तों। कैसे गलत, कैसे कि जब हम टीवी देखते हैं तो या कंप्यूटर से सीखते हैं या यूट्यूब से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसमें तो अंतरण सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा सीखते हैं उसके अंदर। ऑडियो विजुअल जो होते हैं सबसे ज़्यादा सोर्स होते हैं सिखाने के, जल्दी याद होता है और हमेशा के लिए याद होता है। तो ये 107 में तीन से नंबर का जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को वो गलत है। तो इसमें आंसर जो है हमारा, क्योंकि असत्य चीज़ पूछी है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सह अनुदेशन के लिए निम्न में विशेषज्ञों की प्रोग्रामर की आवश्यकता होगी, कंप्यूटर इंजीनियर की आवश्यकता होगी और सिस्टम ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। तो सभी की आवश्यकता होगी। तो 108 नंबर पे जो आपका आंसर होगा वो चार नंबर का आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से सत्य कथन जो है वो है दोस्तों 109 में जो है मोरिसन का शिक्षण प्रतिमान बोध स्तर का है। हंट का जो है चिंतन स्तर था, हर्बर्ट का जो था वो जो स्मृति स्तर था, इसलिए बी ऑप्शन जो है इसका हमारा सही आंसर होगा। तो दो ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा हमारे पास में। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की उच्च प्रविधि है, नहीं है। तो देखो वाद विवाद बिल्कुल, ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छी विधि है, कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी है, लेबोरेटरी बहुत अच्छी है, लेकिन ये क्वेश्चनिंग जो है इतनी नहीं है कि टीचर क्वेश्चन पूछता रहे तो उसके अंदर कुछ सीख नहीं पाएगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका गलत है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा उपग्रह निर्देशन दूरदर्शन के प्रयोग के अंदर। मैं आप लोगों को वही आंसर बता रहा हूँ दोस्तों जो RPSC ने सही माने हैं। 112वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारत में जो शैक्षिक दूरदर्शन प्रारंभ किया गया था, तो भारत में शैक्षिक दूरदर्शन जो है अगस्त 1984 के अंदर प्रारंभ किया गया था। तीन नंबर का आंसर इसके अंदर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने लग गए, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें बिल्कुल केयरफुल होकर पढ़ना पड़ेगा। अधिगमकर्ता का स्वास्थ्य अधिगमन प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यदि हमारा स्वास्थ्य बढ़िया है तो हम सीख जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य खराब है तो हम नहीं सीख सकते। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, ये बात गलत है दोस्तों। तो दीजिएगा दो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन जो है मुझे बिल्कुल गलत लग रहा है। तो ऑप्शन दो है वो बिल्कुल इसका गलत ऑप्शन होगा, तो इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है। तो इसका ऑप्शन क्रियात्मक अवस्था, एक मिनट, तो एक नंबर का इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा।
मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार निम्न जोड़ा मूल प्रवृत्ति और संवेग, देखो 14 मूल प्रवृत्ति और संवेग बताए थे मैकडूगल ने, आपको पता है पलायन होगा, डर होगा तो पलायन होगा, लेकिन इसने हवस लिख दी जो कि गलत है। जिज्ञासा होगी तो प्रेम होगा, ये भी गलत है, जिज्ञासा होगी तो प्रेम हो ही नहीं सकता। हास्य होगा तो मनोरंजन होगा, ये ऑप्शन इसका सही है। संवेग का और मूल प्रवृत्ति का जोड़ा बताना था, तो 3 नंबर का आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट 116 में चलते हैं। निम्न में से लेविन के क्षेत्र सिद्धांत से संबंधित है, जीवन स्पेस, वेक्टर एंड वैलेंस एंड तीसरा टोपोलॉजी, तो ये सारे जो हैं इसके उससे रिलेटेड है, तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये देखिए आपका 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पेज के चलने के लिए पेज चेंज करना पड़ेगा अपन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, संतुलित, एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण। बिल्कुल ये तो बहुत अच्छा विकार मानसिक स्वास्थ्य का है। नियमित दिनचर्या, ये भी है। वास्तविकता को अस्वीकृति, ये जो है अच्छे मानसिकता नहीं है। अच्छा समा जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति होगा वो वास्तविकता को तुरंत स्वीकार करेगा, जबकि इसमें जो माना है अस्वीकार माना है। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर का। अनुकूलन प्रक्रिया में सम्मिलित है आत्मसातकरण और समावेष्टीकरण जो है, संज्ञानात्मक कार्य संगठित को। 118 में 1 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, तो 1 नंबर आ जाएगा इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। संवेग की क्या विशेषता है, संवेगों की व्यापकता, विचार प्रक्रिया का कार्य न करना, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट, तो 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है, अभिप्रेरणा, अधिगम, वृद्धि और विकास और चारों, तो इसमें जो है 120 नंबर में जो है हमारा 3 वाला ऑप्शन होगा, निश्चित और पूर्व कथनीय। देखो किसी की वृद्धि के लिए हम कह सकते हैं कि ये इतना लंबा बढ़ेगा या मोटा रह जाएगा, तो वृद्धि के लिए भी हम पहले से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और विकास के लिए भी हम कह सकते हैं कि इसका विकास इतना होगा, ये यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये जो है निश्चित और पूर्व कथनीय जो चीज़ें होती है वो विकास और वृद्धि के लिए होती है, तो इसमें 3 नंबर का आंसर जो है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 120 के बाद में हम चलते हैं 121 में। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, विकासात्मक विशेषताओं को समझें, अधिगम की प्रकृति को समझें, व्यक्तिगत सभी को समझने के लिए काम आती भी है ये, तो इसका आंसर जो है आपका 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है 30वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसके लिए पेज बदलना पड़ेगा मुझे, सॉरी 121 ही है शायद, तो 122 में नहीं है। तो हम लोगों के ये साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।